भारतीय टीम पिछले 12 सालों के बाद अब पहली बार घर पर कोई सीरीज हारी है, या यूं कह ले पिछली लगातार 18 सीरीज घर पर जीतने के बाद अब कोई सीरीज हारी है। और न्यूजीलैंड पहली बार भारत को घर में कोई सीरीज हराने में सक्षम हुई है। इस हार के बहुत सारे कारण हैं और बहुत वजह हैं जिसकी वजह से टीम इंडिया ने यह मैच गंवाया। सबसे पहले टीम इंडिया 113 रनों से पुणे का मैच हारी है। इससे पहले बेंगलुरु का मैच हारी थी और 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है न्यूजीलैंड की टीम ने। इस हार के कुछ कारण हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पिच से। अगर पिच को इतना ना सुखाया गया होता, इतना सूखा ना बनाया गया होता कि वो रैंक टर्नर हो जाए, तो शायद टीम इंडिया का यह हश्र नहीं होता। दूसरी वजह है कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों को स्पिन खेलना ना आना। कहने को हम सचिन, गांगुली, द्रविड़, सहवाग और इसके साथ साथ पुजारा और रहाणे के देश के खिलाड़ी कहे जाते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इस टीम में इसमें से कोई नहीं था और इनमें से किसी भी बल्लेबाज को स्पिन का बेस्ट नहीं माना जा सकता। इनके पास पेशेंस नहीं है, इनको नहीं पता कि स्पिनर्स को कैसे टैकल करना है, कैसे सिंगल निकालने हैं और कैसे जिस गेंद को छोड़ना है उसे छोड़ा जाए। तीसरी गलती टीम चुनते वक्त कप्तान ने की। वो गलती रही कि भाई अगर केएल राहुल को आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सेलेक्ट करना था तो उस खिलाड़ी को हटाने का कोई सेंस नहीं था। आप उस खिलाड़ी को अश्योरेंस देकर इस टीम में शामिल कर सकते थे, भले ही आपको बोल्ड कॉल लेना पड़ता सरफराज खान को बाहर करके। भले ही सरफराज ने 150 बनाए थे, हालांकि उनकी गलती नहीं थी, पर जगह नहीं बन पा रही थी। इसके अलावा बहुत सारे फैसले हैं कि रविंद्र जडेजा और अश्विन उतने कारगर नहीं हुए जितना एक्सपेक्ट किया गया था। विद द बैट 3 ऑलराउंडर आपने खिलाए और उनके रन नहीं निकले बल्ले से, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो जडेजा हो। हालांकि आखिरी पारी में उन्होंने कोशिश की जडेजा ने, लेकिन उतनी नहीं कि मैच जीत पाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से रन ना आना इस टीम के सीरीज के हार की सबसे बड़ी वजह है। पिछली 12 पारियों में रोहित शर्मा ने 260 रन बनाए हैं। आप सोचिए कितना खराब स्कोर है। विराट कोहली ने पिछली 12 पारियों में 370 के करीब रन बनाए हैं, ये भी कितना खराब स्कोर है। और यही वजह है 5 बड़ी जिसकी वजह से टीम इंडिया ये मुकाबला हारी है, सीरीज हारी है। और अब बारी है इज्जत बचाने की, जो वानखेड़े में खेला जाएगा वहां हारे तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। आपको क्या लगता है हार की वजह, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।